कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन अजय माकन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माकन साहब, दिल्ली में जिस तरीके से आप पार्टी सतीश उपाध्याय आमने सामने एक दूसरे को चुनौती, राजनीति छोड़ दें, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, मीटर किसने लगाए, क्या बिजली के मीटर के पीछे सियासत है, इसको कैसे देख रही कांग्रेस पार्टी? देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि आरोप तो बहुत संगीन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सतीश उपाध्याय जी को भी इसका जवाब देना चाहिए और पूरी तरीके से देना चाहिए। भाजपा की सरकार है, इसके ऊपर उनको जांच भी करनी चाहिए। लेकिन अजीब सी बात ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जी, इसका मतलब खुद ये मान रहे हैं कि 49 दिन के अंदर जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो फेल हो गए, क्योंकि 49 दिन के अंदर जब भी ये कंपनियाँ थी तो ये कंपनियों के बारे में 49 दिन के अंदर जब वो मुख्यमंत्री थे और इनको हम और मौका दे रहे थे, हम कह रहे थे कि और रहिए यहाँ पे, आप भागिए मत, तो उस वक्त भी जो है इन्होंने क्यों नहीं इन कंपनीज को डिटेक्ट किया? अरविंद केजरीवाल कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता से अपील करते हुए कि वो कांग्रेस पर टाइम वेस्ट ना करें, वोट उनको ना करें। दिल्ली कैंट के इलेक्शंस में क्या हुआ, जहाँ पे 60,000 वोट्स हैं, असल के वोट्स हैं दिल्ली के अंदर, वो भी दिल्ली में है, तो दिल्ली कैंट में क्या हुआ, हमारे से आधी सीटें मिली उनकी, जहाँ पर वहाँ पे उनका अपना MLA है। दिल्ली कैंट के अंदर हमारी आम आदमी पार्टी से डबल सीट्स आई हैं, 11% वोट परसेंटेज में हमारी बढ़ोतरी हुई है, आम आदमी पार्टी 15% वोट परसेंटेज उनका कम हुआ है, हमारी और बीजेपी की कांटे की टक्कर वहाँ दिल्ली कैंट के अंदर हुई है। तो दिल्ली कैंट के रिजल्ट्स को अगर आप देख लें तो आम आदमी पार्टी ने जो 49 दिन दिल्ली में दिए हैं, आज दिल्ली की जनता उसको अच्छे से याद कर रही है और पछता रही है। माकन जी, चलते चलते ये सवाल भी, आपकी उम्मीदवारी तय हो गई है, घोषणा भी हो गई है, सदर बाजार से आप चुनाव लड़ेंगे, शीला दीक्षित प्रचार करेंगे नहीं, बड़ा सवाल। बिल्कुल, हमारा निवेदन होगा उनसे कि वो प्रचार करें और हम उम्मीद करेंगे कि उनको प्रचार करना चाहिए। धन्यवाद बात करने के लिए अजय माकन। दिल्ली की सियासत में हलचल और जिस तरीके से सतीश उपाध्याय बीजेपी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और अरविंद केजरीवाल, उनके बीच सियासी लड़ाई तेज हो गई है, मीटर के मुद्दे को लेकर, बिजली के मीटर के मुद्दे को लेकर चुनौती सियासत छोड़ने की, तो वहीं कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है, निशाने पर बीजेपी भी। कैमरामैन विद्या बरबरी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।